हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस बार मैं आपके सामने लेके आया हूँ कुछ बेसिक अलंकार्स। ये अलंकार्स बहुत बेसिक और सिंपल है, लेकिन करने बहुत ज़रूरी है। हम मंत्र सप्तक के पंचम से लेके मध्य सप्तक और फिर तार सप्तक के पंचम तक के कुछ अलंकार्स लेते हैं, वन बाय वन गाकर और फ्लूट में बजा कर मैं आपको बताऊँगा। और इसकी लय आपको जब आप प्रैक्टिस करने बैठे तो बार बार बढ़ाते रहनी है। पहले स्लो स्पीड में, बाद में थोड़ी और बढ़ाओ, फिर और बढ़ाओ, कम से कम चार स्पीड में, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में आप इस अलंकार की प्रैक्टिस करिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपकी फिंगरिंग और आपकी स्वर की ज्ञान बहुत पक्की हो जाएगी। तो देखते हैं ताल के साथ, ये हम तीन ताल शुरू करते हैं, इसके साथ हम बजाते हैं। ये तीन ताल है 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड में और ये स्वर है काली पाँच यानी ऐसा। पहले अलंकार देखते हैं, वेरी सिंपल, सिर्फ आरोह और अवरोह, टॉप टू बॉटम। कंटिन्यूस इस अलंकार को आप 10-10 बार बजा लीजिए एक साथ। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आप दो दो बार कर लीजिए हर एक स्वर को। Thank you.
मैं डायरेक्ट डबल स्पीड में लेता हूँ, आप पहले सिंगल स्पीड में लेंगे फिर मैं डबल स्पीड में लेंगे। Hey!
डबल स्पिन में। Thank you.
आपका स्वर ज्ञान बहुत पक्का होगा। ये पांच स्वर वाले अलंकार तीन ताल में बजाने से आपका स्वर ज्ञान पक्का होगा, कहाँ से कहाँ कैसे शुरू करना है। आप चाहे तो इसको गा भी सकते हैं और साथ साथ बजा भी सकते हैं वन बाय वन बारी बारी से, तो आपका स्वर ज्ञान अवश्य अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट अलंकार देखते हैं। बजाने से और बार बार स्पीड बढ़ाने से आपका फिंगरिंग और आपका स्वर ज्ञान बहुत अच्छा हो जाएगा। पदनिशा और फिर ध ले लेना है, पदनिशा ध। दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट, धनिशा रे नी। तीसरा निशा रे ग सा, सा रे ग म रे। इस तरह से लेना है, देखिए स्वर कान के साथ। धनी सा
ये थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाते हैं, लेकिन ये अलंकार बजाने से बहुत मज़ा आएगा, बहुत फिंगरिंग अच्छी होगी और स्वर का ज्ञान भी अच्छा होगा। इसके आगे और भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड अलंकार्स हैं, ये हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। इस एपिसोड के लिए इतने काफ़ी है। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे अलंकार अच्छे लगे होंगे। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, आपको और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। मैं चंद्रकांत कोटेचा आपका धन्यवाद।